ला गुना लखा दी जुना गुरुपया गुना जनम जनम जन्म के सोवल मनेवा जनम जनम के सोवल मनेवा सवेदन मार लखा दि जुना गुरु पयाला गुना मे लखा दि जुना गुरु पया गुना गुनाम लखा दी जुना गुरु पयाला ला गुना घट आंधिया नैन नहीं सोझे घट अंधियारे रे नैन नहीं सोझे ज्ञान का दीप जला दि दी जुना गुरुपया गुनाम लखा दी जुना गुरुपया गुनाम गहरी नंदम बहे धरेवा गरी नदिया अगम बहे धरेवा खे के पार लगा दी जुना गुरु पैया ला गुना में लखा दी जोना गुरुपया गुना में की लहर उठत घट भी तर की लहर उठत घट भी तर अमृत बोंद चुआ दी जूना गुरुपया गुना में लखा दी जुना गुरुपैया गुना में धर्म दास की अरे जे गोसाई धर्म दास की अरे जे गोसाई अब के खे निभाली जुना गुरुपया गुनाम लखा दी जुना गुरुपया गुना में लखा दी जुना गुरुपयाँ ला गुना में, में। बोलिए देव की जय आला गुना में। लखा दी जुना गुरुपया गुना में। जनम जनम के सोवल मनवा जनम जनम के सोवल मनवा सवेदन मारे लखा दी जुना गुरुपया गुना मे लखा दी जुना गुरुपया गुना मे लखा दी जुना गुरुपयाँ ला गुना घट अंधियारे नैन नहीं सोझे घट अंधियारे रे नैन नहीं सोझे ज्ञान का दीप जला दी जुना गुरुपिया गुना लखा दी जुना गुरुपया गुना में गहरी नदिया अगम में बहे धरेवा गहरी नदिया अगम बहे धरेवा खे के पार लगा दी जुना गुरु पयाला गुना में लखा दी जुना गुरु पयाला गुना में विष की लहर उठते घट भीतर विष की लहर उठत घट भीतर अमृत बोंद चुआ दि जुना गुरुपैया गुना में लखा दी जुना गुरुपया गुना में धर दास की अरे जे गोसाई दास की अरे जे गोसाई अब के खे निभाली जुनाँ गुरु पयाँ ला गुनामें लखा दी जुनाँ गुरुपियाँ ला गुना मैं लखा दि जुना गुरुपयाँ ला गुनामें बोलिए सदगुरु देव की जय मुझ मंगल में संत समाज सम्मानित धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों सदगुरु कबीर के बाद कबीर पंथ में चार बड़े गुरु प्रसिद्ध होते हैं श्री श्रुति गोपाल साहेब कबीर चौरा वाराणसी में श्री भगवान साहेब धनौती छपरा बिहार में श्री जागू साहेब जगन्नाथपुरी और बिद्दूपुर बिहार में और श्री धर्म साहेब बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में श्री सशिगोपाल साहब श्री भगवान साहेब और श्री जागु साहेब इत तीनों अद्भुत प्रतिभा के धनी थे बड़े विद्वान लेकिन इनकी वाणिया मिलती नहीं है कहीं इन्होंने लिखा नहीं या काल के प्रवाह में उनकी वाणिया विलुप्त हो गई कुछ पता नहीं चलता वैसे श्री श्रुति गोपाल साहेब जो काशी कबीर चौरा के प्रथम गद्दी नशीन हुए कबीर साहब तो फकर मस्त लेकिन रहते कबीर चौरा में ही थे उनके बाद प्रथम गद्दी नशीन श्रुति गोपाल साहेब हुए कहा जाता है वे दक्षिणी पंडित थे बड़े विद्वान और उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम करके सारे पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था काशी जो सदै से विद्या का केंद्र रही है विद्वानों की नगरी रही है आज भी वहां काशी में बड़े बड़े विद्वान पंडित होते हैं आज भी हैं। वहां के पंडितों को भी उन्होंने पराजित कर दिया था और अपना नाम रख लिया था सर्वाजीत क्योंकि सबको जीत लिया है लेकिन उनकी मां उन्हें कभी सर्वाजीत नहीं कहती थी सर्वानंद ही कहती थी उन्हें कष्ट होता था कि पूरी दुनिया में तो मेरी इज्जत होती घर में ही इज्जत नहीं हो रही है एक बार अपनी मां से उन्होंने शिकायत की कि माँ सब तो मुझे सर्वाजीत कहते हैं तुम मुझे सर्वाजीत नहीं कहती क्या मेरी इस जीत से तुम्हें खुशी नहीं है तो मां ने कहा कि बेटा ऐसी कौन मां है जिसे अपने बेटे की विजय से खुशी ना होती हो तो सर्वाजीत सर्वानंद ने कहा कि तुम मुझे सर्वाजीत क्यों नहीं कहती तो उनकी मां ने कहा जिस दिन तुम काशी के संत कबीर को जीत लोगे उस दिन तुम्हें सर्वाजीत कहूंगी तो सर्वाना ने कहा हंस करके कहा यह कौन सी बड़ी बात है कबीर तो अनपढ़ न शास्त्र जानते हैं न वेद जानते हैं और मैंने बड़े बड़े वेदों और शास्त्रों के पंडितों को ज्ञाताओं को परास्त कर दिया है कबीर को हराना कौन सी बड़ी बात है चले दक्षिण भारत से कबीर को हराने के लिए तमाम पोथी पत्रा लाद कर बैल पर महीनों की यात्रा के बाद काशी पहुंची तब तक हल्ला हो गया था कि दक्षिण भारत के पंडित सर्वाजीत कबीर को हराने के लिए आ रहे हैं रात्रि विश्राम किया कबीर काशी में सुबह हुई बैलों पर अपना पोथी पतरा लाद कर चले कबीर की कुटिया के पास पहुंचे एक युवती कुएं पर पानी भर रही थी सर्वानंद ने उस युवती से पूछा कबीर का कुटिया कबीर की कुटिया है, कैसे रास्ते जाए युति उत्तर दिया कबीर का घर शिखर पर जहां सी लहली गैल पांव न टीके पपील का पंडित लाल देव तो और अभन आ गया अरे पारि नशा कर रही है बातचीत चली और सर्वानंद ने कबीर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया सबको हराने वाले पंडित कवि कभी अनपढ़ कबीर से हार गए और उन्हीं का नाम हुआ श्रुति गोपाल साहब काशी कबीर चौरा के प्रथम गद्दी नशीन इतने बड़े विद्वान लेकिन उनकी वाणी मिलती नहीं है केवल वाणी मिलती है श्री धर्मदास साहेब जी की जिनका एक पद अभी हमने सुना आइए थोड़ी सी चर्चा इसी पर करते हैं गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजो न जन्म जन्म का सोवल मनवा शब्दन मार जगाए दीजो न घट अंधियार नयन नहीं सूझे ज्ञान के दीप जलाए दीजो न गहरी नदिया अगम वह धरवा खेय के पार लगाए दीजोना विश्व की लहर उठत घट अंतर अमृत बूंद चुवाए दीजोना धर्म धर्मदास की अर्ज गोसाई अब की खेप निभाए दीजो न साधक शिष्य मोक्ष गुरु से निवेदन करता है कि हे hey, गुरुदेव मैं आपकी चरण वंदना करता हूं आप मुझे नाम को लिखा दे नाम का भेद दे नाम का परिचय दे दें सबसे पहले चाहिए विनम्रता गीता में महाराज श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्र में ही विद्यते ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है दुनिया में ज्ञान ही पवित्र है तो अर्जुन पूछते हैं महाराज ज्ञान मिलेगा कैसे फिर तब महाराज कृष्ण कहते हैं तद्विधि प्रणिपातीन प्रश्न सेवया ज्ञान पाना चाहते हो तो तीन शर्तें हैं प्रणिपात अपने आप को सरेंडर कर देना पूर्ण समर्पित कर देना प्रणिपात का अर्थ है शरणागति जैसे एक छोटा शिशु अपने आप को सब प्रकार से माँ को समर्पित कर देता है फिर उसे चिंता नहीं करनी पड़ती उसकी सारी चिंता मां करती है इसी प्रकार से जब मुमुक्ष साधक अपने आप को शिष्य बना करके गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तब गुरु से कल्याण की जिम्मेदारी ले लेता है अथर्ववेद में एक मंत्र आता है आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचार्य नम गर्भ मंत आचार्य ने गुरु ने उपनय दूसरा नेत्र देने के लिए ब्रह्मचारी शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया गर्भस्थ शिष्य को अलग से कहीं खाना पीना नहीं पड़ता है मां का खाना उसका खाना है मां का, का पीना का मा पीना मां का सोना जागना उसका सोना जागना है ऐसे ही आचार्य ने गुरु ने साधक को शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया अपने अपनी शरण में ले लिया तम रात्रि विभर्त तम तीर्थ रात्रि विभर्त उधरे ऐसे कुछ मंत्र ख्याल नहीं आ रहा है इस समय कि वह तीन रात तक उस शिष्य को अपने गर्भ में रखता है तम जातम जब वहां पैदा हुआ तब दृष्टुम अभिस देवा उसके दर्शन के लिए देवता आते हैं कहा जाता है कि ऋषि कहते हैं कि गुरु ने शिष्य को तीन रात तक अपने गर्भ में रख लिया तीन रात की बात यहां आती है तो तीन दिन भी कहा जा सकता था जब तीन रात तो तीन दिन भी आएगा क्योंकि बिना दिन के तो रात होगी नहीं लेकिन रात की ही बात आती है आप लोगों को ख्याल होगा कठोर निषद में जब वाज स्रवस यज्ञ करते हैं और बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान करते हैं उनका लड़का नचिकेता अभी है अभी किशोर लेकिन बड़ा मेधावी वो देखते हैं कि पिताजी बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान कर रहे हैं अच्छी अच्छी गाय मेरे लिए दान कर रहे हैं दान तो उनका करना चाहिए जो अच्छी चीज हो आदमी दान करना भी चाहता है लेकिन अच्छी चीजों का दान नहीं करना चाहता कमजोर चीज का दान करना चाहता जब भी आप दान करें अच्छी चीजों का दान करें किसी को भी देना हो। कई बार दिल्ली तो अक्सर जाना पड़ता है, हर साल एक बार कार्यक्रम होता है अभी फिर जाना ही है सड़क से जब गुजरते हैं गाड़ी बैठ करके कई दुकानों सामने लिखा रहता है यहां दान का कंबल मिलता है। मतलब जो थर्ड क्लास कंबल जो किसी से न ओढ़े वो दान का कंबल जिसका प्रयोग आप अपने लिए नहीं कर सकते उसका प्रयोग दान दूसरों को क्यों दे रहे हो उसी को आप दान करें जिससे आप प्रयोग करके दिखा सकते हैं जो भोजन आप नहीं खाना चाहते ऐसे भोजन भिखारियों को क्यों खिला रहे हो जो कपड़ा आप नहीं पहनना चाहते ऐसे कपड़े का दान दूसरे को क्यों कर रहे हो जिस कंबल को आप आधा घंटा भी नहीं ओढ़ सकते उस कंबल का दान दूसरे को क्यों कर रहे हो और कहा जाता है ना जो दोगे वही मिलेगा यदि आप बासी भोजन दान कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप आगे, आगे बासी खाने के लिए बीस बो रहे हैं अपने तैयार कर रहे हैं कि मुझे भी बासी भोजन मिलना चाहिए आगे जो आप अपने लिए नहीं चाहते उसका दान न करें दान उसी का करें जो आप अपने लिए चाहते हैं तो ऋषिकेता ने देखा कि पिताजी बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान कर रहे हैं जो घात भी नहीं चढ़ सकती बराबर कष्ट हुआ फिर उन्होंने पूछा पिताजी आप मुझे किसको दे रहे हैं उनके पिता को अच्छा नहीं लगा लेकिन चुप रहे फिर दोबारा नचिकेता ने कहा पिताजी आप मुझको क्यों दे रहे हैं मुझको किसे दे रहे हैं थोड़ा क्रुद्ध हुआ लेकिन बोला नहीं फिर तीसरी बार जब नचिकेता ने कहा तो क्रुद्ध हो गया कि जा तुझे यमराज को देता हूं क्रोध में आदमी क्या से क्या कह जाता है पता नहीं चलता बाद में पछताया लेकिन नचकेता यमराज के पास गया जब यमराज के पास गया तो पता चला कि यमराज कहीं बाहर है तो वहां भी बात आती है कि नचकेता यमराज के द्वार पर तीन रात रुके रहे तीन दिन रुके रहे थी बात नहीं आती तीन रात रुकने की बात आती है यहां भी अथर्वेद ऋषि कहते हैं कि गुरु ने शिष्य को तीन रात तक अपने गर्भ में लिया तीन रात क्या है तीन प्रकार की अविद्या आधिदैविक आधिभौतिक भौतिक और आध्यात्मिक आधिदैविक जिसका आधार देव हो अधि आधार दैविक देव संबंधी जिसका आधार दैव हो वह आधिदैविक दैव देव प्राकृतिक शक्ति प्राकृतिक शक्तियों को दैव कहा जाता है देखो अभी तूफान आया था दैवी प्रकोप कहते हैं लोग भूचाल आया अत्यधिक वर्षा हो गई वर्षा हुई ही नहीं या कोई अन्य और उत्पाद तो कहते हैं दैवी प्रकोप है अधिदैविक अविद्या क्या है ये संसार इसे किसने बनाया कौन से चला रहा है सारी गतिविधियां संसार की नियम से हो रही है इसको देख करके भ्रम होना संदेह होना अधिदैविक अविद्या है इसके मूल में क्या है तत्वों के गुणधर्मों को प्रकृति के नियमों को न समझना जितना हम नियमों को समझते जाएंगे तत्वों के गुणधर्मों को समझते जाएंगे कारण कार्य की व्यवस्था को समझते जाएंगे उतना जगत संबंधी हमारा भ्रम और संदेह दूर होता चला जाएगा हमें समझना होगा कि पूरी प्रकृति में कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता है कारण गुण पूर्वक का, कार्य गुणो दृष्ट वैथिथिक दर्शन में महर्षि कनाद कहते हैं कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता बिना कार्य के कारण हो सकता है लेकिन बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता धार्मिक जगत में चमत्कार क्यों चलता है कि बिना कारण के कार्य मान लिया जाता है इसलिए और चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती जितने चमत्कार है सब छल कपट है हाथ की सफाई वस्तु की सफाई प्राकृतिक आजकल के जो रासायनिक वस्तुएं हैं उन सब के कारण से ये महात्मा कहलाने वाले लोग जादूगर लोग कुछ का कुछ दिखलाते हैं है कुछ लोग उसके कुछ पीछे कोई ना कोई कारण है बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है एक जगह यज्ञ हुआ एक श्रद्धालु भक्त ने कहा कि हमारे गुरु ने यज्ञ किया था और बिना आग लगाए केवल मंत्रों के बल पर यज्ञ कुंड में आग पैदा हो गया चमत्कार है मंत्र में ऐसी शक्ति है कि बिना आग लगाए गए कुंड में आग लग जाती है मंत्र मंत्र कुछ नहीं केवल हाथ की सफाई है और धोखाधड़ी है करते क्या हैं वे लोग जब यज्ञ कुंड बनाया जाता है लकड़ी रखी जाती है तो उसके नीचे रख दिया जाता है पोटेशियम परमैग्नेट लोग जान नहीं पाते और जब आहुति देते हैं तो घी के तरह पर रख ले जाता है ग्लिसरीन अब गिलीश्रीन पोथ पर, परमानेंट मिलेगा आग अपने आप लगेगी मंत्र का आवश्यकता नहीं है मंत्र क्या करेगा तो कोई भी आप प्रो करके दे सकते हो एक जगह एक बड़े ज्योतिषी आए एक घर में पहुंचे कुछ बताए और कहा तुम्हारे घर में ग्रह बाधा है भूत बाधा है कि महाराज क्या करें पूजा करवा लो क्या लगे कि एक नारियल मंगा दो ये नारियल मैं ले आऊँगा और इसी से दो दिन बाद आएंगे पूजा करेंगे पूजा वजा किया और कहा तुम देखो तुम्हारे घर का जो भूत है ग्रह इसको मैंने पकड़ लिया है इसी नारियल में पकड़ लिया है अभी मैं मंत्र पढ़ूंगा और मंत्र पढ़ के करूंगा, बस वो भूत इसी में जल जाएगा उन्होंने मंत्र पढ़ने का ढोंग किया ऐसे किया पानी लिया ऐसे मारा तुरंत आग लग गई नारियल देखो तुम्हारा भूत जल गया अरे कुछ नहीं नारियल छिपा दो तो सोडियम और सोडियम में मारोगे पानी ना आग अपने आप लगेगी भूत कुछ नहीं है सोडियम में पानी पड़ेगा आप अपने आग लगेगी चमत्कार कहा इस पर ये तो रासायनिक आजकल ध्रुवताई बहुत बढ़ गई धर्म के नाम पर बड़े बड़े गुरु बड़े धूर्त बन गए हैं ठग रहे हैं लोगों को और पढ़े लिखे लोग ठगा रहे हैं विज्ञान का जमाना है एक भगत ने कहा हमारे गुरुजी बड़े सिद्ध हैं इतने सिद्ध हैं अरे उनके उनका जो फोटो है उस फोटो के फ्रेम से भी रोज भभूत झड़ता है तो फिर जब फोटो के फ्रेम से भभूत झड़ रहा है तब तो, तो गुरुज कितने सिद्ध होंगे क्या कहना क्या ऐसा होता है हाँ होता है लेकिन एक बात है उनके गुरु के फोटो को आप उस फ्रेम में लगाएं जिस जो फ्रेम लकड़ी का बना होगा कभी भभूत नहीं झड़ेगा भभूत सदैव झड़ेगा एल्यूमिनियम के फ्रेम में झड़ेगा लकड़ी और लोहक फ्रेम में नहीं झड़ेगा क्यों एल्युमिनियम के फ्रेम में मरकरी क्लोराइड का लेप कर दिया जाता है बन जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड और गर्म हो करके गर फ्रेम अपने आप झड़ता है बेसक चित्र लगा दो तो भी झड़ेगा आप प्रो करके देखना ये केमिकल के जो ये जो केमिस्ट्री के विद्यार्थी है ना उन लोगों से पूछ लेना केमिस्ट्री प्रोफेसर है उन लोगों से जरा पूछ लेना यह सबका तो चमत्कार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है इसके पीछे मत पड़ना मैं कह रहा था कि प्रकृति में पूरे कारण कार्य की एक व्यवस्था है अटूट व्यवस्था है कारण के अनुसार ही कार्य होता है तत्वों के गुणधर्म हैं, उनको समझ ले तत्वों के गुणधर्म को कारण कार्य की व्यवस्था को ऋग्वेद की भाषा में कहा गया है रीत रितुम विततम तत्पशा तद्भव तत तदाशीत षि कहते हैं रीत के तंत पूरी दुनिया में सर्वत्र बिखरे पड़े हुए हैं रीत क्या है नियम इटर्नल यूनिवर्सल लॉ शाश्वत वैश्विक नियम इन नियमों को न समझने के कारण इस संसार को देख करके हमें भ्रम होता है किसने बनाया होगा मैटर द्रव्य अनादि है वैज्ञानिक तथ्य है कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनमें से एक नया कण बन नहीं सकता और एक कण एक का पूरा विनाश हो नहीं सकता केवल रूपांतरण होता है रूप बदलता है नाश कुछ भी नहीं होता है द्रव्य नित्य है और नित्य द्रव्यों में नित्य गुण धर्म है नित्य गति है नित्य क्रिया है कोई भी भौतिक द्रव्य बिना गति और क्रिया के रह नहीं सकता है तो अपने आप उसने क्रिया हो रही है तो गतिविधि है तो संसार चल रहा है इसके लिए अलग से सर्जक की कल्पना करने की आवश्यकता क्या तो पहली अविद्या है आधिभौतिक अविद्या नियमों को जान लेने पर यह अविद्या समाप्त हो जाती है दूसरी अविद्या आधिभौतिक आधिभौतिक भौतिक भौतिक भूत प्राणी भूत के अनेक अर्थ होते हैं एक भूत जिसे आप मानते हैं भूत प्रेत वो तो सर्वथा काल्पनिक कहीं होते ही नहीं है भूत कहते हैं को भूत का अर्थ लीनता ब्रह्म भूत ब्रह्म लीन हो जाना सत्य भूत सत्य में लीन हो जाना भूत का अर्थ है लीनता और भूत का अर्थ प्राणी दया भूतेश गीता में बात आती है भूतों पर दया प्राणियों पर दया जिन लोगों के बीच हम रहते हैं प्राय उन पर संदेह होता है पुत्र को संदेह होता है जितना धन है पिताजी को छिपा कर रखे हैं, मुझे पूरा बताए हैं। भाई पर संदेह होता है पत्नी पर संदेह पति पर संदेह आपस में संदेह परिवार के लोगों में संदेह का गुण जब प्रवेश कर जाता है तो पूरे परिवार को खोखला बना करके रख देता है पति को पत्नी पर संदेह पत्नी को पति पर संदेह पत्नी दो चार बार किसी पुरुष से हंस करके बोल दी पति संदेह होता है कहीं इसका मन गड़बड़ा तो नहीं रहा है पति चार छह दिन दफ्तर से रात्रि में थोड़ा देर करके आया पत्नी संदेह होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी पढ़ाई से चक्कर में पड़ गया हो रोज देर से आ रहा है थोड़ी थोड़े में संदेह होता है और संदेह अपने मन का पाप बाहर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास करना तो सीखें परिवार तो के सदस्यों पर ही विश्वास नहीं है क्या सुख से जी पाएंगे धन काम ना देगा मकान काम ना देगा गाड़ी घोड़े काम नहीं देंगे कुछ काम नहीं देगा यदि परिवार में ही परस्पर पर संदेह अविश्वास है प्रेम करना विश्वास करना सीखे विश्वास से विश्वास बढ़ता है संदेह करके तो हम अपने लिए बना लेते हैं नरक तो आधिदैविक के बाद आधि भौतिक संदेह अविद्या ये हमारे मन का पाप जितना अहंकार होगा जितना ज्यादा स्वार्थ भावना होगी उतना ज्यादा संदेह होगा जितनी सेवा परायणता होगी दूसरे पर ध्यान दिया जाएगा त्याग का भाव होगा संदेह दूर होगा विश्वास पैदा होगा और आध्यात्मिक अविद्या कि मैं कौन हूं मेरा स्वरूप क्या है जीव मुक्त होकर के कहा जाएगा कुछ लोग कहते हैं कि जीव तो ईश्वर का अंत है मुक्त होकर उसी में मिल जाएगा कुछ लोग कहते हैं नहीं, जीव किसी का अंत नहीं है कैसे है क्या है साधना उससे बनेगी कि नहीं बनेगी महात्मा लोग कहते हैं कि त्याग बैराग से कल्याण होता है होता भी है कि नहीं होता है कौन देखा है कल्याण को ये तमाम प्रकार के संदेह क्यों तत्व चिंतन के अभाव में तत्व चिंतन आप करेंगे जड़ और चेतन प्रकृति और पुरुष पूरी दुनिया में ये दो ही तत्व हैं हम हाँ आज की भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं उसे विज्ञान भाषा में मैटर और सोल कह सकते हैं महर्षि कपिन उसे प्रकृति और पुरुष कहा था कहीं भी आप जाएं जो कुछ आपको मिलेगा या तो जड़ का लक्षण वाला मिलेगा या चेतन का लक्षण वाला मिलेगा जड़ और चेतन लक्षण तीसरा कुछ नहीं मिलेगा आपको किसी भी चीज की पहचान कैसे होती है उसके गुणधर्मो से लक्षणा प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि किसी वस्तु की सिद्धि लक्षण प्रमाण से होती है तो जड़ और चेतन दोनों के गुणधर्मों को ठीक से समझ लेने पर आध्यात्मिक अविद्या दूर हो जाती है मैं अपने मूल स्थान पर आता हूं गुरुपैया लागो नाम को लखा दीजो न बात यहां से ली थी पर समर्पण फिर सेवा सेवा से ही चित्त शुद्ध होता है जो सेवा से घबराता है उसका चित्त कभी शुद्ध हो नहीं सकता और शुद्ध चित्त हुए बिना कभी ज्ञान मिल नहीं सकता है हमारे गुरुदेव जी का एक सूत्र है सेवा से चित्त शुद्ध चित्त शुद्धि से ज्ञान ज्ञान से निर्मोहता और निर्मोहता से कल्याण तो सेवा सेवा द्वारा जब चित्त मैल दूर हो जाता है एक भूमिका तैयार हो गई जैसे आप खेत में बीज डालते हैं तो पूरे पहले खेत की कमाई कर लेते हैं पानी कर उसे मिट्टी मुलायम कर लेते हैं जोतते हैं खाद डाल देते हैं जब पूरी भूमिका तैयार होगी तब बीज डालते हैं ऐसे ही सेवा द्वारा चित्त को उर्वर बनाना होगा तब उसमें ज्ञान के बीच अंकुरित होंगे तो, तो पहली शरणागति समर्पण विनम्रता फिर सेवा पारायणता तब परिप्रश्न फिर प्रश्न अपनी जिज्ञासा अपनी शंका प्रस्तुत करें तब गुरु आचार्य उपदेश देंगे तब ज्ञान मिलेगा पैया लागो नाम को लखा दीजो ना शिष्य विनम्रता पूर्वक कहते हैं गुरुदेव आपके चरणों में मैं वंदना कर रहा हूं आप मुझे नाम का भेद बता दें ये नाम क्या है निर्गुणी परंपरा में नाम की बड़ी चर्चा चलती है उसका प्रभाव सगुणी परंपरा में भी आयोग राम गोस्वामी जी ने कह दिया राम ते बड़ा राम का नाम नाम कितनी महिमा हो गई कि नाम को राम से भी बड़ा कह दिया गया आखिर नाम क्या किस नाम को लिखना है हमको किस नाम को समझना है वस्तुतः नाम के द्वारा जिसे समझाया जाता है जिसका इशारा किया जाता है समझना उसको है नाम तो बदलने वाला है कोई नाम स्थिर नहीं है शाश्वत नहीं है देश काल समाज के परिप्रेक्ष्य में नाम बदलते रहते हैं वैष्णव है रामोपासक तो वह राम का नाम जपेगा वैष्णव में जो विष्णु उपासक है वो विष्णु का नाम जपेगा कृष्ण उपासक कृष्ण का नाम शिव उपासक शिव का नाम बौद्ध लोग बुद्धम शरणम गच्छामी जैन लोग अरिहंत कहते हैं अरहत तीर्थंकर का नाम जपते हैं मुसलमान लोग अल्लाह अकबर कहने वाले हैं ईसाई लोग ईसा मसीह का नाम जपने वाले हैं कौन सा नाम है तो तो नाम के द्वारा जो नामी है जिसके रहने पर नाम रखा जाता है उसे समझना है आज धर्म के क्षेत्र में जितने नाम प्रचलित हैं कुछ भी नाम ले ले आप आज से ढाई तीन हजार साल पहले इनमें से एक भी नाम को लोग जानते नहीं थे ढाई हजार साल पहले जो नाम प्रचलित थे जिन देवी देवताओं की उपासना होती थी आज ब्राह्मण पर हिंदू परंपरा में कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है ऋग्वेद पढ़ें इंद्र वरुण दधिक्रा सोम अश्विनी कुमार उषा वरुण मरुत ये सब बड़े बड़े देवता हैं। और इनकी उपासना है आज कौन इनका नाम जपता है हां पानी नहीं बरसता तब इंद्र को थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हैं और पानी बरस गया तो कोई इंद्र को पूछने वाला भी नहीं है गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि सुख हार ले भागसठ इंद्र को कुत्ता भी कह डाला गोस्वामी जी ने तो ते नाम बदलते हैं हाँ इतना जरूर है जिस नाम के प्रति जिसकी निष्ठा होती है उस नाम को जपने से उसके मन में एकाग्रता आती है सात्विक भावना आती है कोई राम है अकेले बैठा मन लगाकर राम 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 जपने लगा मन दुनियादारी से हट गया सात्विक भावना आई कोमल भावना आई एकाग्रता आई अच्छा है लेकिन सभी लोग राम का नाम जपे संभव नहीं है ये तो एक एक मतपंथ की बात है लेकिन नाम के द्वारा जिसका हम बोध करना चाहते हैं वह क्या है राम रहीम ब्रह्म खुदा गाड इन शब्दों के द्वारा जिस तत्व का इंगन किया जाता है जिस जिस इशारा किया जाता है, वह तत्व क्या है उसे समझना होगा वह जो परम तत् वह क्या है कहां है सोता वह आपका अपना आपा है आपका अपना स्वरूप है आपका अस्तित्व है क्योंकि वह कभी बिछोड़ नहीं सकता आपसे मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूं लेकिन अपने आप किसे छोड़ूंगा? सब को छोड़ूंगा सबको छोड़ने वाला अपने आप को तो छोड़ नहीं सकता तो अपना आप क्या है उसी को ही समझना है धर्म के क्षेत्र में अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे पहली बात यदि कोई जानने योग्य है तो स्वयं को जानना है आत्म तत्व को जानना अध्यात्म के केंद्र के में कौन है अध्यात्म के केंद्र में है स्वयं सत्ता आत्मसत्ता मैं तत्व प्रत्येक घट में बैठा हुआ जो मैं मैं कह रहा है वह तत्व है आखिर हम पूजा क्यों करते हैं पाठ क्यों करते हैं साधना क्यों करते हैं किसके कल्याण के लिए अपने कल्याण के लिए कोई कट्टर ईश्वर भक्त है बाद बात में भगवान का नाम बाद में भगवान का नाम उसे जरा पूछिए आप आप भगवान की इतनी भक्ति करते हैं क्यों कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए या भगवान कल्याण के लिए कह अपने कल्याण के लिए अपना कल्याण प्रिय न हो अपना दुख प्रिय न हो तो भगवान का नाम कौन लेने वाला है कल मैंने निवेदन किया था हम दुखी हैं उस दुख को दूर करने के लिए ही आदमी भगवान का नाम जपता है दुख ना हो ना तो भगवान को कोई याद नहीं करेगा इल्ले कबीर साहब को कहना पड़ा कि सुख दुख में स्मरण सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे हो सब दुख में स्मरण करते हैं अच्छा अच्छा चल रहा है अनुकूलता अनुकूलता है तब मैंने किया मैं ऐसा रहा मैं वैसा किया और गड़बड़ी आ गई तब भगवान एक सज्जन ने मकान बनाया बहुत बढ़िया मकान बनवाया मेहमान आए उद्घाटन तो हुआ तो कई लोग आए देखने लगे तो बताते गए देखो ये चीज मैंने अमुक जगह से मंगवाई है ये चीज़ मैंने अमुक जगह से मंगवाई है चीज़ मैंने अमुक जगह से मंगवाई इतना इसके लिए मुझे खर्च करना पड़ा सब कहते गए मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने वो घूमते घूमते मकान में गया नया मकान था लेकिन किसी कारण से एक जगह दीवार में वो दीवार फट गई थी दरार पड़ गई थी उन्होंने कहा देखो भगवान की मर्जी दीवार फट गई मतलब अच्छा किया उन्होंने फट गया वो भगवान ने किया मतलब सब अपना अच्छा हमारा और जो गलत वो भगवान का भगवान की याद वहां आती है जब गलती हो जाती है तब दुख होता है तब सुख है सुख है तब भगवान की याद नहीं है तो भगवान को लोग क्यों चाहते हैं अपने लिए तो केंद्र में कौन है मैं तत्व आत्म तत्व उसी आत्म तत्व को जानने के लिए गुरु की शरण है छात्र उपनिषद में कथा आती है उत दालक, उत दालक बहुत बड़े ऋषि हैं अब बड़े उनका पुत्र श्वेत केत बारह वर्ष का हो गया पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं लगा था आज के लड़के नहीं पहले के लड़के भी ऐसे होते थे तो दालक ने कहा बेटा हमारे कुल में कोई ब्राह्मण बंधु नहीं हुआ है ब्राह्मण बंधु व्यंग है मतलब ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण का बंधु है किसी को ब्राह्मण बंधु कहना उसका अपमान करना माना जाता था क्या बेटा हमारे कुल में कोई ब्राह्मण बंधु नहीं हुआ है तुम ऐसे ही रहोगे समझाया गए एक गुरु के पास पढ़ करके आए बारह साल तक अध्ययन किए खूब पढ़ करके आए और मारे अहंकार से चिना तान कर खड़े हो गए उद्दालक के सामने उद्दालक ने देखा ये तो और गड़बड़ हो गया विद्या का अर्थ तो होता है विनम्रता तो महाअहकारी हो गया तब पूछता है बेटा जिसके जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है क्या तुम उस तत्व को जानते हो श्वेत के ने कहा पिताजी मेरे गुरु ने तो मुझे वो बताया नहीं तो तब कहा बेटा तब फिर तुम क्या पढ़ करके आए हो तुम्हारा पढ़ना तो बेकार गया तो कहा पिताजी फिर आप ही मुझे उस तत्व का उपदेश करें तब उदालक ने उपदेश देना शुरू किया अनेक उदाहरण दिया और हर आदमी कहते हैं तत्व में श्वेत केतु तो। हे श्वेत केतु तो, जिस ब्रह्म को जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो तत्व वह तुम ही हो ऋषि बार बार कहते हैं अहम ब्रह्मास, मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं उत्तम पुरुष लेकिन सामने वाला दूसरा भी है इसलिए तत्व असी तत्व असी वह तुम हो मैं हो गया आप हो गए लेकिन बाकी लोग अन्य लोग तो कह दिया गया अयमात्मा ब्रह्म आत्मा ब्रह्म या आत्मा ही ब्रह्म है मैं आत्मा आप आत्मा सभी तो आत्मा है ये आत्मा ही ब्रह्म है जिज्ञासुओं ने कहा महाराज आप ब्रह्म मैं ब्रह्म या आत्मा ब्रह्म ये तीन बातें हो गई एक बात बताइए ऋषि ने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म है ज्ञान जीव का स्वभाव ज्ञान आत्मा का गुण मुझ में आप में सब में ज्ञान है किस में ज्ञान नहीं है चींटी में भी ज्ञान है कि कंकड़ और शकर को भी पहचानती है परखने की शक्ति सब में है ज्ञान जीव का लक्षण ज्ञान जीव का गुण ज्ञान जीव का धर्म तो अध्यात्म के केंद्र में है मैं है आत्म तत्व है उसी के इर्द गिर्द सब कुछ नाचता है यहां जो शिष्य निवेदन कर रहा है कि गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजियो ना हे गुरुदेव मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं आप मुझे नाम को परम तत्व को आत्म तत्व को लखा दे उसका भेद दे दे ताकि भटकना दूर हो जाए जन्म जन्म का सोवल मनुआ शब्दन मार जगाए दीजो न अनादिकाल से हम अज्ञान की नींद में सोते आ रहे हैं मोह निशा सब सोवन हारा देखें स्वप्न अनेक प्रकार मोह की नींद जो अपना नहीं है उसे अपना मानने का भ्रम यही तो मोह है उस नींद में हम सब सो रहे हैं अज्ञान की नींद हम सब सो रहे हैं शब्दन मार जगा दीजिए ना गुरुदेव ज्ञान के शब्दों की चोट दे करके आप मुझे जगा दें गुरु न मिले होते संत न मिले होते महापुरुष न होते तो आज हम कहा भटकते होते ये गुरुजनों की कृपा है कि जो उन्होंने हमें ज्ञान की चोट देकर के जगाने का प्रयास किया है एक नहीं अमुक पंथ नहीं हर मत पंथ दुनिया के हर क्षेत्र में महापुरुष होते आए हैं ये मान लेना कि हमारे देश में हमारे संप्रदाय में महापुरुष हुए हैं बाहर नहीं मिथ्या अहंकार महापुरुष कहीं भी हो सकते हैं किसी भी मत में किसी भी परंपरा में किसी भी जाति में किसी भी वर्ण में किसी भी भाषा के बोलने वाले और उन सभी गुरुजनों ने अपने अपने समय में ज्ञान का प्रचार किया है लोगों को जगाया है। समाज को एक सही सही दिशा निर्देश किया है जन्म जन्म का सोवल मनुआ यह मन अज्ञान से विषय वासना की नींद में अज्ञान की नींद में मोह की नींद में सो रहा है क्यों हम दुखी हैं अज्ञान के कारण अज्ञान क्या है तथ्य से अनभिज्ञता न जानना कुछ का कुछ मान लेना दुख का कारण यही है धूप की लहरियों में मृग को पानी का भ्रम होता है प्यासा मृग समझता है थोड़ी दूर पर सागर, पानी का सागर लहरा रहा है प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है लेकिन वहां सागर कहाँ है भ्रम है अज्ञान से मात्र ज्ञान होता तो समझ जाता मृग दौड़ता नहीं लेकिन दौड़ते दौड़ते प्रारंभ कर देता ऐसे ठीक ऐसे ही दुनिया में सुख है पद में प्रतिष्ठा में मान में सम्मान में विषय के उपभोग में सुख है अज्ञान कारण हम रात दिन दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते अतृप्त होकर असंतुष्ट होकर के प्रांत कर जाते हैं गुरु मिलते हैं सही बोध देते हैं तब भटकना दूर होता है जन्म जन्म का सोवल मनुमा शब्दन मार जगा ना घट अंधियार नयन नहीं सूझे ज्ञान के दीप दीजियो ना घट के भीतर हृदय के अंदर अज्ञान का अंधकार है सूझता नहीं है ज्ञान का दीप जलाना है वैसे जी मात्र का स्वरूप ज्ञान है लेकिन वो ढका हुआ है मोह के आवरण में भ्रम के पर्दे में उसी आवरण को तो फाड़ना है पर्दा फटा उद्घाटित हो गया आप लोगों का अनुभव होगा किसी बड़े शहर में या कहीं और भी किसी चौराहे पर किसी महापुरुष की मूर्ति स्थापित की जाती है मंदिरों में भी प्रतिष्ठा लोग करते हैं लेकिन खासकर चौराहों पर जब किसी बड़े पुरुष की मूर्ति स्थापित की जाती है तो सब कुछ करने के बाद उसे कपड़ा से ढक दिया जाता है फिर कोई नेता बुलाया जाता है या कोई बड़े पुरुष बुलाया जाता है अनावरण करने के लिए एक औपचारिक विधि होती है आए जो ढका हुआ था जो पर्दा उसे हटा दिया अनावरण कर दे मूर्ति उद्घाटित हो गई ऐसे ही हमारा ब्रह्म हमारा खुदा हमारा परमात्मा हमारा मोक्ष ढका हुआ है अज्ञान के पर्दे में गुरु अनावरण करते हैं उसका ज्ञान दे करके लाना कुछ कहें कुछ नहीं है पाना कुछ नहीं है जो पाएंगे वो छूटेगा पक्का दुनिया का नियम है मिलेगा तो छूटेगा कोई ऐसा मिलन नहीं है जिसका अंत बिछड़न में ना होता हो कोई ऐसा संयोग नहीं है जिसका अंत वियोग में ना होता हो परमात्मा मिलेगा तो छूट जाएगा फिर उधारी का परमात्मा कब तक कमाएगा ऐसा परमात्मा चाहिए जो न मिले न बिछुड़े नित्य प्राप्त उदाहरण याद आयो उदाहरण क्या घटना है गुरुजी ने अनेक बार बताई होगी आप लोगों को मैं पुनः दोहरा दूं बहुत पुरानी बात है चालीस पैंतालीस साल पहले की बात होगी ऐसे शाम का समय था गुरुदेव जी कार्यक्रम में थे प्रश्न समाप्त हुआ एक आम ध्यान साधना दृष्टि से गुरुदेव जी गांव के बाहर एक झुरमुट जैसा था थोड़ा सा जंगल जैसा वहां चले गए एक झुरमुट में जाकर के ध्यान में बैठ गए अठारह बीस साल का एक युवक खोजते खोजते पहुंचा पहुंचा तो आहट हुई तो गुरुदेव जी ने आंखें खोली देखा कि युवक खड़ा हुआ है गुरु जी ने पूछा बेटा कैसे आए हो क्यों आए हो उस युवक ने बड़ी भावना के साथ कहा महाराज परमात्मा कब मिलेगा गुरु जी ने कहा बेटा परमात्मा के बिछोड़ने की तारीख बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं चुप परमात्मा कब बिछोड़ा है जो बिछुड़ जाए मिल जाए वो परमात्मा नहीं वो तो माया संतों आवे जाए सो माया मिले और बिछड़े वो तो माया जो न मिले न बिछड़े वो परमात्मा अब वो कहीं बाहर नहीं है आपके भीतर ईश्वर स्वर भूताना फिर दे अर्जुन तिष्ठ थी बातें तो सब जगह कही गई है लेकिन महात्मा लोग बताना नहीं चाहते बता देंगे ना, तो बता देंगे ना तो का जो मिलता कमीशन फिर गायब हो जाएगा सब बता देंगे तो कमीशन को फिर से आएगा फिर? तो वो जो परमात्मा है आपके भीतर है क्यों लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता है छिपा हुआ है अज्ञान के पर्दे में भ्रम के पर्दे में उसको फाड़ना है सत्य लभ्य स्त आत्मा सम्य ज्ञाने नम्हचर्य नित्यम अंत शरीर ज्योतिर्मयो शुभ्रो यंपियंतोषा अंत शरीर आगे तो पहली पंक्ति में तो चार शर्तें बताई गई है कि आत्मलाभ कहते होगा सत्य तप सम्य ज्ञान और नित्य का ब्रह्मचर्य ये चार शर्तें जो पूरी करेगा उसी को आत्मलाभ होगा आत्म साक्षात्कार होगा तब प्रश्न क्या जिज्ञासु ने महाराज वो है कहा अंत शरीर इस शरीर के भीतर कैसा है ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप शुभ्र निर्मल निर्विकार देखेगा कौन यम पश्यंत क्षिणोषा यत्न पूर्वक साधना करते करते जिन्होंने अपने मन को पूरी तरह से मांझ लिया मन क्षीण दोष हो गया निर्विकार हो गया वही उसका साक्षात्कार करेगा यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिर कहत कबीर कबीर तो घट अंधियार नया दीप जलाए दीजियो ना शिष्य निधन करता है गुरुदेव मेरे हृदय के अंदर अज्ञान के अंधियारी छाई हुई है नेत्रो दिखाई नहीं पड़ रहा है आप ज्ञान का दीप जला दे यथावत सब समझ में आ जाए ताकि भटकना दूर गहरी नदिया अगम वह धरवा खेय के पार लगा दीजियो नदी गहरी है धारा बड़ी तेजी से बही जा रही है हमारे पास तैरने की शक्ति नहीं क्षमता नहीं कला नहीं है गुरुदेव आप ही मुझे मेरी नाव को खे करके पार लगा दे वो कौन नदी है वो नदी बाहर नहीं है बाहर नदी को तो हम पार कर जाते हैं तैर करके मल्ला सहारा भी लेना पड़ता है लेकिन बाहर की नदी को क्या समुद्र को भी तैरने वाले लोग भीतर की नदी में डूब रहे हैं गहरी नदियां वो नदी बाहर नहीं है ये मन ही वो नदी है अंतकरण ही वो नदी है जिसमें वासना का पानी बड़ी तेजी से बहा जा रहा है और साधक का पैर भक्त का कल्याण छुप का पैर उसका साहस टिकता नहीं है अस्मनवती रीते समर उत्तिष्ठत पर तरता सखाया कहा गया अस्मनवती पत्थरों से भरी हुई नदी वो कौन नदी है ये मन की नदी है पत्थरों से भरी हुई कौन पत्थर है काम क्रोध लो मो राग द्वेष के पत्थर इसमें भरे हुए वासना का पानी संकल्प विकल्पों का पानी बड़ी तेजी से बहा जा रहा है इसी कहते हैं समरमद सावधान हो जाओ उत्तिष्ठत खड़े हो जाओ प्रतरता सखाया ऐ ऐ मित्र इसको अच्छी तरह से तर जाओ बाहर की नदी नहीं है नदी भीतर की है बुझ बुझ पंडित मन चितलाए कभी भरा वे कब सुखाए साहब कहते हैं ऐ पंडितों इस चित्र को समझो ये तुम्हारी चित्र एक नदी है कभी तो क्षण मात्र में ये भर करके बहती है और कभी सुख जाती है देखें अपने मन को अकेले में बैठ करके कि कैसे कैसे विचार मन में आते रहते हैं हम अपने को साधु कहते हैं महात्मा कहते हैं धार्मिक कहते हैं पुजारी कहते हैं भगत कहते हैं सत्संग कहते हैं कभी मन को समझने का प्रयास किए हैं अकेले में बैठ करके अकेले में बैठे और मात्र पंद्रह मिनट बैठ करके उस पंद्रह मिनट के भीतर जो जो विचार मन में आ जाए यदि तो उसको हम ईमानदारी पूर्वक लिख लें तो दूसरों को दिखाने की हिम्मत नहीं होगी फिर भी हम अपने को साधु कहते हैं फिर भी हम भगत और पुजारी कहते हैं ये बाहर का वेश ये थोड़ा नाम जप ये थोड़ा कि कीर्तन ये थोड़ी भक्ति भावना काम ना आएगी जब तक ये मन की नदी में वासना का पानी बहता रहेगा काम तो करे दुनिया में हैं छोड़कर जहां जाएंगे कहा दुनिया में रहें लेकिन दुनिया की सेवा करें लेकिन अपनी चित्त को दुनिया से उठा करके रखें कहा जाएंगे सबसे बड़ी दुनिया तो शरीर ही है अब बाकी दुनिया छोड़ दो शरीर को कहां छोड़ेंगे हम शरीर ही दुनिया है अब जब शरीर दुनिया है तो इसके लिए बाहर दुनिया की आवश्यकता पड़ेगी तो दुनिया में तो रहना पड़ेगा लेकिन दुनिया की वासना मन में बने ना पाए यह सावधानी रखना है दुनिया का मुंह मन में बने ना पाए यह सावधानी रखना है आंख नाक कान जीप त्वचा पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं पांचों ज्ञानेन्द्रियों से पांचों विषयों का ग्रहण होगा ही ग्रहण करें निर्वाह की दृष्टि से सेवा की दृष्टि से वासनात्मक दृष्टि से नहीं सुख की दृष्टि से नहीं जहां सुख की दृष्टि से देखेंगे भोग की दृष्टि से देखेंगे वासना बनेगी और प्रवाह में बहते चले जाएंगे तो गहरी नदियां अगम बह धरवा खे के पार लगा दीजिए ना गुरुदेव अंतकरण की नदी बड़ी गहरी है अनादिकाल के संस्कार इसमें भरे पड़े हैं और वासना का पानी बड़ी तेजी से बह रहा है आप मुझे विवेक का सहारा दें ज्ञान के नाव पर बैठा करके इससे मुझे पार लगा दें विश्व की लहर उठत घट अंतर अमृत बूंद दीजिए ना नश्व की लहर उठ रही है काम की लहर क्रोध की लहर मोह की लहर राग की लहर द्वेष की लहर ईर्षा की लहर घृणा की लहर अनोनु किसके किसकी लहर चंचन में मन में उड़ती रहती है यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान ये शरीर क्या है विष की लता अब विष की लता में क्या फलेगा विश्व तो फलेगा जो लता जैसी होगी उसका फल भी तो वैसे होगा क्या निकल रहा है इस शरीर से आज तक क्या अनुभव हुआ दुख पीड़ा संताप चिंता तनाव भय क्या मिला कि इनके अलावा क्योंकि ये शरीर ही ऐसी लता है जिसमें ये फल फलेगा विष की लता से जो फल आएगा वो कड़वा तो ही होगा ना मीठा तो नहीं होगा तो अंदर में विष की लहर उठ रही है विकारों की लहर अहंकार की लहर क्रोध की लहर लेकिन ध्यान देना होगा इसी विष को बदलना होगा हमको और अमृत बनाना होगा हमको जहर को भी शोध करके दवा बना लिया जाता है बाहर की जहर को शोधना हम जानते हैं अंदर की जहर को शोधना हम नहीं जानते काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इनका स्थान कहां है कहां तुड़ते हैं ये मन से ही उड़ते हैं लेकिन दया क्षमा सत्य धीर विवेक विचार बैराग भक्ति कहां तुड़ते हैं मन से ही तुर होते हैं ना वही मन है संसार की तरफ लगाएंगे तो विकारों की लहर उठेगी उसी मन को भक्ति धर्म साधना लगाएंगे तो अमृत की लहर उठेगी केवल दिशा बदलना है साहब ने तो कहा है जिस संधिपात साधुन सिद्धि पाई जिस संधिपात में दुनिया के लोग मारे जा रहे हैं उसी से साधु लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं वैद्य लोग बताते हैं कब पित्त बात ये तीन नाडियां हमारे शरीर में है किसी के शरीर कब प्रधान होता है किसी के शरीर पित्त प्रधान किसी के शरीर कब प्रधान किसी के शरीर बात प्रधान लेकिन तीनों सबके शरीर में तीनों होते हैं एक संतुलन बना रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है और कहते हैं जब तीनों में बराबर हो जाते हैं तो संदिपात हो जाता है फिर आदमी के बचना मुश्किल आध्यात्मिक दिशा में आए ये कपित कप बात क्या है याद होगा मानस की पंक्ति गोस्वामी जी ने कहा है काम बात का प्रोभ अपारा क्रोध पित निछाती जा रहा करे जो तीनों भाई उपजे संत दुखदाई काम बात क्रोध पित लोभ कप एक काम क्रोध लोभ इसी में पूरी दुनिया मारी जा रही है गीता में तीनों को नरक का द्वार कहा गया है महासना महापाप मां कहा गया है काम में लोग पीड़ित हैं क्रोध में पीड़ित हैं लोभ में पीड़ित हैं साहब कहते हैं इनको ही इनसे सिद्धि प्राप्त करना है कैसे रूपांतरण काम क्या है आकर्षण चिपकाहट की भावना रागात्मक स्त्री का पुरुष के प्रति पुरुष के प्रति का स्त्री प्रत। के प्रति जो आकर्षण है की भावना एक काम है इसको संत बदल देते हैं भक्ति में गुरु के प्रति आकर्षण हो गया अब बिजाटी प्रति आकर्षण नहीं हुआ चिपकाहट की भावना राग अब गुरु के प्रति कर लिए काम को बदल दिए भक्ति में क्रोध में सामने वाले को नुकसान करने की भावना होती है सामने वालों को कैसे नुकसान पाऊं कैसे पहुंचाऊं अब शत्रु बाहर नहीं रह गया क्रोध को बदल दिए वैराग्य में अब शत्रु भीतर आ गया मन के जो विकार हैं इनको मिटाने में लगा दिए उस, उस शक्ति को क्रोध बदल गया वैराग्य में लोभ में होता क्या है अधिक अधिक बटोरने की भावना और मिले और मिले और मिले लोभ को बदल दिए ज्ञान में सदगुणों में बदल दिए अधिक अधिक ज्ञान अर्जन अधिक अधिक, अधिक सदगुणों का आचरण काम भक्ति में बदल गया में बदल गया और लोभ ज्ञान में बदल गया बस मुक्ति मिल गई दिशा शक्ति वही है दिशा बदल गई जो शक्ति नरक में अब पहुंचा दी मोक्ष में, में तो विश्व की लहर उठत घट अंतर शब्द अमृत बुंद चुवा दी जो ना शिष्य कहता है गुरुदेव मेरे भीतर काम क्रोध लोभ मोह राग देश इन जहर की लहर उठ रही है ऐसा उद्देश्य दें, ऐसा रास्ता बताएं, जीवन जीने की ऐसी कला बताएं कि अब इसमें अमृत की बूंद टपकने लग जाए जीवन जीने की कला क्या है जिस रास्ते पर आज तक चलते आए हैं और दुख पर दुख का भोग करते आए हैं अब उस रास्ते पर न चलना सही रास्ते पर चलना राग के रास्ते पर चले अब विराग के रास्ते पर चले लोभ के रास्ते पर चले अब सेवा के रास्ते पर चले क्रोध के रास्ते पर चले अब क्षमा और प्रेम के रास्ते पर चले बस काम बन गया अमृत की लहर उठने लग गई धर्मदास की अरज गौसाई अब की खेप निभा दीजिए ना धर्मदास साहब विनय करते हैं कि गुरुदेव अब की खेर अब की बात मैं जैसा भी हूं आप मुझे निभा लीजिए जैसा भी हूं आपका ही तो हूं इसलिए मेरे दोषों पर ध्यान न देते हुए आप मुझे अपनी शरण में लगाएं और लगा रखिए मुझे निभा लें साधक को गुरु को छोड़ कर के बाहर और किस सहारा नहीं है एक गुरु का सहारा साधक पकड़ा रह जाए तो भटकने से वो बच सकता है पांच छह पंक्तियों का छोटा सा पद लेकिन बहुत मार्मिक एक एक पंक्ति इतना भाव है कि हम एक पंक्ति पर ही विचार कर लें और विचार करके जीवन में आचरण कर लें, तो काम बन जाए विचार न करें तो गाते भी राजा कहते राजा क्या फर्क पड़ने वाला है सोचे समझे विचारें मनन करें आचरण करें तो थोड़ी सी बातें ही हमारा कल्याण कर सकती है इस पद को गुरुपया लागो नाम को लखाए दीजो न जन्म जन्म का सोवल मनवा शब्दन मार जगा दीजो न घट अंधियार नयन नहीं सूझे ज्ञान के दीप जलाए दीजो न गहरी नदिया अगम बह धरवा। खे के पार लगा दीजियो न विष की लहर उठत घट अंतर अमृत बूंद चुवाए दीजियो न धर्मदास की अरज गोसाई अब की खेप निभाए दीजियो न कल सत्संग प्रारंभ हुआ था कल भी आप लोग काफी मात्रा में आए थे आज भी काफी मात्रा में आए हैं आप लोगों की इतनी संख्या उपस्थिति ये बताती है कि आप लोगों के मन में धर्म के प्रति भक्ति के प्रति ज्ञान के प्रति संत महात्माओं के प्रति कल्याण के प्रति निष्ठा है भावना है तभी आप यहाँ आए और इतनी देर तक बड़ी शालीनता और शांति के साथ बैठ करके के विचार श्रवण करते रहे आप सब की ये भावना आप सब की श्रद्धा कल्याण के प्रति निष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए और सच्चे के पथ पर चल करके इसी जीवन में कल्याण प्राप्त करते इन्हें शुभकामनाओं के साथ आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते अपने वाणी को यहीं पर विराम